गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज पवन एंड यू आर वॉचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप अगेन देखेंगे सेक्टर 150 का एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड प्रतीक कैनरी। 12.5 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली आपको 3 और 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रतीक की अगर बात करें तो इनके ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अमेजिंग है। कुछ अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रतीक ग्रैंड सिटी सिद्धार्थ विहार में इनका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है इनका प्रतीक एडिफाइस, सेक्टर 107 में डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। सो अगर आपने वो देखा है तो ये उससे भी ऊपर एक बेंचमार्क सेट करने वाले हैं। इस साइट की बहुत सारी एडवांटेज है। एडवांटेज ये है, आसपास इंडिया के टॉप नॉच डेवलपर्स हैं, यू नेम इट यू विल फाइंड देम हियर। लेफ्ट में गोदरेज है, राइट में ATS है, आगे की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर एल्डेको, और थोड़ा सा और आगे आते हैं तो वहाँ पर प्रेस्टीज आने वाला है, ट्राइबैका है, और इसके अलावा टाटा वैल्यू होम। सो ऑल दीज आर नेबरिंग प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट की एक और एडवांटेज ये है कि बिल्कुल साथ में ये वाला जो पैच आप देख रहे हैं, ये अथॉरिटी के मैप में अगर आप इसको देखते हैं, सो दिस इज़ अ प्रपोज्ड गोल्फ कोर्स। 24 एकड़ में पूरा 9 होल गोल्फ कोर्स है। सो गाइस दिस इज़ द डमी मॉडल ऑफ प्रतीक कैनरी। पूरा 12.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इनके 9 टावर्स आ रहे हैं और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं 664। सो अभी इन्होंने फ़िलहाल इन 3 टावर्स का, वहाँ पर आपने देखा होगा साइट पर, एक्सकवेशन और पाइलिंग का काम चल रहा है। इस तरह से ये पूरा इनका ग्रीन एरिया रहेगा। एक और अच्छी बात ये है कि जहाँ पर प्रोजेक्ट की बाउंड्री ख़त्म होती है उसके बाद भी ग्रीन एरिया ख़त्म नहीं होगा, इट कंटिन्यूज, बिकॉज ठीक सामने की तरफ ये 24 एकड़ का 9 होल गोल्फ कोर्स है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 और 4 BHK के ऑप्शन मिल जाते हैं जो बड़े साइजेस हैं, 2 साइडेड ओपन अपार्टमेंट्स। सो आपको रोड का भी व्यू आता है और इंटरनल ग्रीन और एक्सटर्नल ग्रीन का भी व्यू आता है। सो 12.5 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट है। दैट्स द प्रोजेक्ट बाउंड्री जो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें 9 एकड़ में इनकी ओपन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं। सो इसके अंदर इसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, इसके बाद फुटबॉल का एक ग्राउंड वहाँ पर दे रखा है। दिस इज़ देयर कमर्शियल एंड क्लब हाउस। और इसके बाद आगे की तरफ अगर आप देखें तो लैंडस्केपिंग हो रखी है और दैट्स गोइंग टू बी देयर पूल एरिया। और थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं तो वहाँ पर पूरा बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग डेडिकेटेड स्पॉट्स हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द अप्रोच रोड। सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट पॉइंट सिस्टम रहेगा। इसकी जो हाइट है दैट्स G+28। सो ग्राउंड पर कोई भी पार्किंग नहीं है, इसके अंदर सिर्फ बेसमेंट कवर्ड पार्किंग का ही प्रोविजन है। सो ऑल दीज अपार्टमेंट्स, अभी ये जो टावर ABC है इसमें रोड साइड फेसिंग में जो अपार्टमेंट्स हैं इसका साइज़ है 1700 स्क्वायर फीट। इसके बाद आगे की तरफ इससे बड़ा साइज़ आ जाता है, इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ जाते हैं तो ऑल दोस आर स्टैंडअलोन टावर्स जिसके अंदर एक ही साइज़ रहेगा पूरे टावर के अंदर। सेक्टर 150 को लेकर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर आपको मैंने पूरी जो लोकेशन है वो समझाने की कोशिश करी है और आसपास यहाँ पर क्या एडवांटेज हैं। सो अगर आप देखेंगे तो नोएडा का एक पॉश सेक्टर है, रीज़न बीइंग तीनों चारों साइडों से ये एक्सप्रेसवे से घिरा हुआ है। सामने की तरफ है यमुना एक्सप्रेसवे, ऑन माय राइट वहाँ पर है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, और लेफ्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पर है ताज एक्सप्रेसवे। थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं वहाँ पर आपको FNG की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है और ईस्टर्न पेरिफेरल। तो ये 5 एक्सप्रेसवे हैं जो इस साइड से हार्डली 8 या 9 किलोमीटर के दायरे में आपको पड़ जाते हैं। इस साइट की एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जैसे ही आप सेक्टर 150 को क्रॉस करते हैं और ऑपोजिट लेन में जाते हैं तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक एक्वा लाइन है जो ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है, वो फंक्शनल है। सो यहाँ पर आपको मेट्रो की भी कनेक्टिविटी मिल। सो गाइस दिस इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ प्रतीक कैनरी। 12.5 एकड़ का पूरा लैंड पैच है और जैसा आपने डमी मॉडल के ऊपर देखा था ये एग्जैक्टली वैसे ही कर्व ले रहा है। सो इस तरह से टावर प्लेसमेंट रहेगी। अभी ये 3 टावर्स हैं जिनकी इन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन करी है। सो 12.5 एकड़ में टोटल इनके 9 टावर्स हैं और नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं 664। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये प्रोजेक्ट की बाउंड्री है। प्रोजेक्ट की बाउंड्री के जस्ट आगे की तरफ ये एक प्रपोज्ड गोल्फ कोर्स है। सो इसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है ATS का ला ग्रैंडियोस, और थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं वहाँ पर तो दैट्स एस पार्कवे, और उसी बेल्ट में थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर है महागुन मीडोस, और थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो दैट्स ATS प्रिस्टीन एंड एस गोल्फ शायर।
बिल्कुल ठीक सामने पैरल वहाँ पर है यमुना एक्सप्रेसवे, और जो सामने आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं दोरसार पूर्वांचल प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल के जस्ट ऑपोजिट जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, दैट्स गोदरेज नेस्ट। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गोदरेज एंड लोटस। इसी रोड पर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो नेबरिंग प्रोजेक्ट्स की ही बात कर रहे हैं, सो दैट्स ATS होमक्राफ्ट पाइस हाइडवे। थोड़ा सा और आगे की तरफ आते हैं तो बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है एल्डेको, दैट्स ऑलरेडी कवर्ड ऑन द चैनल। Alright guys, that's it for the day. I hope you enjoyed this vlog. Though इसके अंदर कोई sample apartment नहीं था, but I think जो चीज़ें यहाँ पर ये company visualize करवाना चाहती थी, you are already getting a sense of it. So पूरा जो project है इसमें first phase जो इसका deliver होगा, that's going to be by June 25. So आज के टाइम में जब स्पेशली लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश करने से घबरा रहे हैं, सो एक ट्रस्ट बिल्टअप करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर एक स्पेशल पेमेंट प्लान निकाला है, जिसके अंदर आपको अभी सिर्फ 30% अमाउंट देना है टोटल अमाउंट का, और उसके बाद रेस्ट 70% नीड्स टू बी पेड एट द टाइम ऑफ पोजेशन। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रतीक कैनरी, गिव अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, आई विल सी यू गाइस टुमारो, सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। इस एपिसोड में आप देखेंगे एल्डेको ग्रीन्स, ये सेक्टर 150 का मैं कह सकता हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग रेंज का प्रोजेक्ट है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बेसिकली 2 और 3 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं, और इस वीडियो के अंदर आप एक सैम्पल यूनिट भी देखेंगे। इसका एरिया है 1404 square feet, इट्स अ 3 bedroom 2 toilet यूनिट। स्टनिंग अपार्टमेंट है, दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 1750 square feet, इट्स अ 3 bedroom 3 toilet यूनिट। इन द मीन टाइम अगर आप चाहें तो इस सैंपल यूनिट के बारे में आपके क्या विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about how you feel, just let yourself go. Say it loud, wake the world on the other side, make it real, just let yourself go, just let go. Just let go. Oh yeah. Just let go. Ooh, just let go.
things we do, it's all so blue.